गाइस वेलकम बैक टू क्लास ऑफ लर्निंग यू आर विद राहुल शर्मा योर फ्रेंड एंड गाइड। और हां आज की क्लास में हम वर्कआउट करना है साइकोलॉजी। जी हां साइकोलॉजी क्लास 11 क्लास 12 या किसी भी क्लास के बात करें तो यहां पे टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट एंड द टॉपिक इज ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। सो द मेथड्स ऑफ इंक्वायरी द वर्ड दैट कम्स विद द इंक्वायरी। इंक्वायरी क्या है, कैसे वर्कआउट की जाती है, कौन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने जरूरी है जब हम इंक्वायरी की बात करते हैं। इससे पहले मैं इंक्वायरी पे आऊं, आई नीड टू कम ऑन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी है क्या, किस सोच को हम साइकोलॉजी कहते हैं। इट्स नॉट अबाउट रीडिंग माइंड्स। जेन्युइन समबडी सेज साइकोलॉजी इज नॉट अबाउट रीडिंग माइंड और ट्राइंग टू कंट्रोल समबडी। आई एम ट्राइंग टू कन्विंस समवन। इज दैट सिंपल, एक एग्जांपल देता हूं आपको कि एक टीचर आपको गाइड कर रहा है। एक पेरेंट्स अपने बच्चे को बताते हैं कि आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए। Here the psychology do come that they want the good or the really better well-being of the student or their own child. So here that is psychology, and that psychology does not mean they trying to control the life. And for those who are working hard to grab the concept of psychology, they need to clear the basic term. The basic term that what does mean by the basic term and how can we rule out. The basic goals, really the basic goals of inquiry. Why talk of the matters of inquiry? When matters of inquiry ki baat aati hai, to there is something that we need to work, you know, is all about the basic goals. The basic goals of psychology, kya hai? There are four goals, generally, there are four goals that you need to clear. Why talk about the inquiry of psychology? The very first, really, we need to work about is describe. So what does mean by the describe? I'm going to tell you later on in this particular video. आपने कहा sir describe क्या है? सबसे पहला goal था describe, किसी भी चीज को describe करना। And then we do have the predict, the predictions. Describe then predict. Over the prediction, after prediction we need to know the explanation. And then the last control. We really need to know. अब ये चार कैसे हैं, इन चारों को कैसे क्लियर करना है, क्या कॉन्सेप्ट दिमाग में रखने हैं आप जो इनको समझ पाओ। आपने कहा सर इट्स ऑल अबाउट इंक्वायरी, इंक्वायरी व्हाइल डीलिंग विद समथिंग एंड हाउ वी गोइंग टू ग्रैप, दैट्स ऑल अबाउट इंक्वायरी। अब इस इंक्वायरी को कैसे कर सकते हैं, इसके क्या चेंजेस आएंगे, वो हमें समझना जरूरी है। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट हाफ डिस्क्राइब, किसी भी चीज को डिस्क्राइब करना। जब भी हम कोई इंक्वायरी करें तो हम क्या करेंगे, पहले उस चीज के हम जानेंगे क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे वर्कआउट करना है, किस तरह स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। एंड देन जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, प्रिडिक्ट। प्रिडिक्शंस रियली मैटर लॉट। व्हाइल एट द टाइम ऑफ इंक्वायरी द प्रिडिक्शन प्लेज अ वाइटल रोल। तो प्रिडिक्शन क्या है, कैसे वर्कआउट करती है, किन चीजों को समझना जरूरी और क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं हम। अगर हम किसी चीज को लेकर प्रिडिक्ट कर रहे हैं दैट एग्जाम पेपर आर गोइंग टू वेरी इजी, the inquiry of that particular matter goes in this direction. तो ये predictions थी। Psychology एक बहुत बड़ा role play करती है in the terms of the goals. And then we need to have explanations, complete explanation चाहिए। आप explain करते हैं, कैसे explain करते हैं, चीजों कैसे समझाते हैं, उनको समझना जरूरी है। That is one of the most important. And then come to the control. और जैसा मैंने first half आपको बताया, that is all about. Really, it's all about to the well-being of others. It's not about controlling. Control का मतलब ये नहीं कि आपको बांध दिया गया और control किया जा रहा है. Sorry, it's all about guiding you for your better means. That is control. तो हमने कहा ये चार phase थे हमारे जिनको हम एक heading देंगे. That's the goals of inquiry. The goals of inquiry in psychology. अगर मैं इनको एक अलग नाम देता हूँ, generally अगर इनको एक नाम देता हूँ, जो मैं psychology terms में होता हूँ, तो that is psychological research. द साइकोलॉजिकल रिसर्च क्या है, साइकोलॉजिकल रिसर्च इट इज कंडक्टेड फॉर द पर्पस। आई रिपीट द वर्ड्स, आप प्लीज लिख सकते हैं, यू कैन राइट डाउन दीज थिंग्स। इट इज कंडक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्शन प्रिडिक्शन एक्सप्लेनेशन। इट इज कंडक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्शन प्रिडिक्शन एंड एक्सप्लेनेशन एंड कंट्रोल ऑफ बिहेवियर, द कंट्रोल ऑफ बिहेवियर एंड एप्लीकेंट्स नॉलेज। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट हाउ इट ऑल गोज ऑन एंड एप्लीकेशन नॉलेज, नॉलेज को कैसे अप्लाई किया गया। अब इसके लिए तीन फेज देते हैं, द गुड बैड और द अगली। आपने कहा द गुड द बैड और द अगली, तीन अलग अलग फेज दे दिए हमें, उन तीनों को समझते हैं।
टेक एन एग्जांपल, पैरेलल कंडीशन थ्योरी देते हैं हम, उस पर ध्यान देते हैं क्या हो रहा है, हाउ थिंग्स आर चेंजिंग। क्लास में बच्चे आते हैं फर्स्ट टाइम स्कूल में, बच्चे एडमिट हुए, बेल बजती है, एकदम भागते हैं, उनको बताया था कि बेल बजती है तो इट्स योर, वो आपका पीरियड शुरू होगा, ये क्लास से बच्चे निकलेंगे, फिर बेल बजती है, एक दिन दो दिन तीन दिन, एक हफ्ता निकल गया, एक हफ्ते के बाद दोबारा बेल बजती है, प्रोसीडिंग वही थी लेकिन अब सब कुछ पीसफुली हो रहा है। अब किसी बच्चे को किसी टीचर की जरूरत है जो वो गाइड करेगा कि अब ये होगा तो आपको ये करना है, अब ये होगा तो ये करना है, आप सबको पता है व्हाट इज द नेक्स्ट, जी हाँ, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, द गुड द बैड, जनरली द बैड, व्हेन समबडी ट्राइंग टू, जनरली समबडी ट्राइंग टू हिट समवन और समबडी ट्राइंग टू डिस्टर्ब समवन, आप क्लास में दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों एक आके उसको पिंच कर जाता है, बार बार पिंच कर जाता है, because he is a powerful one, so it's bad, the bad one. And the other day, there are two students, Dipanshu and Jyotak. Two students are one Dipanshu and one Jyotak. And the third student is Sangam. These three are in one class. And Dipanshu and Jyotak both know that from any work, once again, Simran is irritated. Take an example, from any work, once again, Simran is irritated. And they always do whenever they want to irritate Simran. It's the ugly. Three concepts, तीनों को आपने step by step समझा, the good, the bad and the ugly. So these are the basics that we have to clear before starting this chapter, the inquiry. So here we're going to start the chapter, the methods of inquiry in psychology. So सबसे पहले चीज हमें दिमाग में रखनी है psychology के test को लेके, that is what is psychological test and its types. तो यहां concept clarity is one of the most important thing and we need to know that what is psychological test and its inquiries. So here I'm going to start up with you guys. तो आपको ये उतारने की जरूरत है नहीं है, you can decide your own, but मैं repeat कर देता हूं, these are psychological goals, the describe, prediction, explain and control. Yes, I really want you guys to write down everything. जब जब मैं साथ साथ बोलता हूँ, अगर मैं बोर्ड पर कुछ लिखता हूँ तो प्लीज उसे साथ साथ उतारें ताकि आप बाद में आराम से समझ पाए। Now, here as we told you that क्या अब हमें करना है, हमें करने हैं टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, क्या है साइकोलॉजिकल टेस्ट, उसके टाइप्स क्या है, दे आर जनरली दे आर सर्टन एडजेक्टिव्स एंड स्टैंडलाइज्ड टेस्ट टू असेस द साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। अभी ये एडजेक्टिव या मैं कहूँ साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है इनको क्लियर कर लेते हैं। द फर्स्ट थिंग, हम क्या करते हैं तीन पार्ट से बांटते हैं टेस्ट को, वे डिस्ट्रीब्यूट द टेस्ट इन थ्री पार्ट्स। वो तीन पार्ट्स में सबसे पहला टेस्ट जो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपने बोला यहां पे साइकोलॉजिकल टेस्ट नंबर वन ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। So what does mean by the administration? हम सब जानते हैं body का सबसे ऊपर वाला part administration, the top level is known as the administration. तो हम psychological test की बात करें, the very first say it been two parts, the individual test over the group test. So हमने इसको आगे दो parts में divide किया, that is individual test over the group test. अब इसकी एक्सप्लेनेशन, या वी नीड टू हैव द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, द इंडिविजुअल टेस्ट व्हेन यू गोज वन टू वन, देयर द सर्टेन स्टूडेंट, आई टोल्ड यू द एग्जांपल, रियली आई टोल्ड यू इन द एग्जांपल जहां मैंने तीन स्टूडेंट्स के बारे में बताया आपको, उन तीनों का अगर इंडिविजुअली आए वन बाय वन, ऑफ द दीपांशु, वन ऑफ द ज्योतिन, ऑल द सिमरन, या आई एम गोइंग टू टेक ऑल दीस थ्री वन बाय वन, इन दैट केस दैट्स अ इंडिविजुअल, दैट्स अ इंडिविजुअल टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट। सो वी नीड टू क्लियर दैट कॉन्सेप्ट, क्या है कैसे है उसके कॉन्सेप्ट को कैसे समझ पाएंगे। तो ये हमारे लिए जरूरी था कि हमें उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना था। सो ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन साइकोलॉजिकल टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट आता है, दैट इज द इंडिविजुअल टेस्ट। वो इंडिविजुअल टेस्ट मेरे तीन स्टूडेंट्स दीपांशु, ज्योतिन और सिमरन पे वर्कआउट करता था, जहां पर मैंने किसी एक स्टूडेंट को लेके उसके लिए इंडिविजुअली वर्कआउट किया। एंड देन द अदर टेस्ट इज ऑल अबाउट द ग्रुप टेस्ट। Here I am talking about the group means the jump or the bunch of these three students all together. Tino students ko ek sa
लिया और समझने की कोशिश की कि हाउ दे ऑल आर वर्किंग। तो यहां पे हमारे पास इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशन। एंड नाउ टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिफिकल्टी लेवल। द नेक्स्ट वन इज on the basis of difficulty level. Now, when we talk about on the basis of difficulty level, we need to work out two things. Number one, the speed, and the other one is the power. So the speed of the person to person definitely vary, along with the power of the person vary. So yahan pe test mein hamare paas do part aate hain on the basis of the difficulty level, speed and power. And the other one is power. तो यहां पे एक हमारा लेवल हो गया दैट इज स्पीड एंड द अदर वन इज पावर। तो दोनों को हमारे लिए समझना जरूरी था क्या है लेवल, कैसे काम करते हैं, किन चीजों को समझना जरूरी है यहां पे दैट यू गाइस आर वर्किंग ऑन। तो यहां पे लेवल ऑफ टेस्ट की बात थी ऑन द बेस ऑफ एडमिशन देयर टू पार्ट्स इंडिविजुअल ग्रुप ऑन द बेस ऑफ डिफिकल्टी लेवल वी आर हैविंग द स्पीड एंड पावर। टाइम टू मूव ऑन द अदर पार्ट दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। सर दिस इज रियली इंपॉर्टेंट on the basis of language. The third one on the basis of language can be divided into three parts. So isko teen parts mein baat sakte hain. Humne language ki baat ki, so it be verbal, non-verbal or performance. The verbal, non-verbal or the performance. So here we are having the verbal test, non-verbal or performance. We need to clear. तो यहां पे जब बात किया दी कि verbal test क्या है sir, non-verbal क्या है और performance क्या है, इस टेस्ट को रिकॉर्ड कर दे तो हमारा पॉइंट यहां पे क्लियर होता है दोबारा कि सर जब इंक्वायरी की बात करते हैं ना, टॉकिंग ऑफ इंक्वायरी मीन साइकोलॉजिकल इंक्वायरी कर रहे हैं, तो यहां मैंने आपको क्लासिकल कंडीशनिंग पैवलोव की थ्योरी का एग्जांपल दिया था, द गुड द बैड एंड द अगली। तो यहां हम जब इसकी बात कर रहे हैं तो वी नीड टू क्लियर दैट कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, कैसे समझेंगे द वर्बल नॉन वर्बल और द परफॉर्मेंस एंड देन जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग ये उतार चुके हैं दैट इज बेस्ट पार्ट, और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं आगे खत्म कर पाऊं इस चैप्टर को वेरी सून, इन विच वी गोइंग टू वर्क आउट द टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो गाइस प्लीज so here we are coming out with the next part that is the types of observation. First one हमने deal की goals of inquiry test, जी हाँ goals of inquiry क्या थी, group ले किया, उसके बाद हमने बात की types of, जी हाँ the types of goals हमारा वो हुआ, and then we'll come up to the types of observations. अभी types of observation में आपने क्या क्या ध्यान रखना है, types of observations you all need to clear these concepts. सबसे पहले अब ये भी on the basis होंगे, जब observation की बात करती है observing someone, psychology में observation बहुत matter करती है। अगर हम psychology की बात करें जैसे मैंने पहले word बोला था psychology is not about controlling the mind or body, no it's not, but it's all about the giving direction for the well being. तो यहाँ पे पहला point था on the base of observation. तो types of observation number one आता on the base of observation. से ऑब्जर्वेशन नेचुरलिस्टिक हो सकती है और कंट्रोल हो सकती है। सो हियर नंबर वन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन इट कैन बी नेचुरलिस्टिक एंड द अदर वन इज कंट्रोल्ड। सही नेचुरलिस्टिक क्या है और कंट्रोल क्या है, दोबारा दोनों क्लियर करेंगे। नेचुरलिस्टिक सर थ्रू द नेचर, आराम से आ रहा है जैसे आपका नेचर है मेरा नेचर है, हम लोग मिलते हैं फर्स्ट हम बात करते हैं
कई चीज समझाते कई नहीं आती. हे नॉट मी नो यू रियली गोइंग टू गिव एनी शॉर्ट ऑफ इंडिकेशन एनी शॉर्ट ऑफ डायरेक्शन और एनी शॉर्ट ऑफ रियली व्यू पॉइंट्स टुवर्ड्स ईच अदर कि यार ये कहना है जो है बेसिकली हम वैसे ही. तो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन कहते हैं कहीं गए देखा हमने क्या हो रहा है हमने कुछ किसी को नहीं बोला. सेकेंड वन सेल्फ कंट्रोल्ड. कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मीन्स यू हैव स्टेटेड द स्टूडेंट्स बॉस आपको ये पढ़ना है ऐसे पढ़ के रखेंगे और जवाब पूरा कंप्लीट कर लेंगे देन वी आर गोइंग टू डू दिस. तो पहले आपको ये कहना है आई एम ऑब्जर्विंग यू. इन दिस केस वी कैन से दैट इट्स कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन. So I really think that you guys really clear this. तो पहले केस में हमने किसी तरह का कोई भी गाइडलाइंस नहीं दिया जबकि दूसरे में हम कंप्लीट गाइडलाइंस देके आगे काम कर रहे हैं. So that is known as to be the controlled observation. And then come to the next part on the basis of investigations. So what is the investigation and what is the investigator's role? रोल ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स रोल. अब जब इन्वेस्टिगेटर रोल की बात की जाती है सबसे पहले हमारे दिमाग में जो आता है दैट इज द पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. द पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या ऑब्जर्व करते हैं. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स दोज़ वॉचिंग दिस डेफिनेटली देयर आर मेनी स्टूडेंट्स थाउजेंड स्टूडेंट्स दोज़ वॉचिंग दिस वीडियोस. अब वो जब वीडियोस देखते हैं तो क्या ऑब्जर्व करते हैं क्या हमें समझ में आ रहा है क्या जो हमें बताया गया वो हमें क्लियर हो रहा है. आर वी गेटिंग व्हाट रियली द नीड और व्हाट वी आर बीन वॉचिंग फॉर जिसके लिए हमें वीडियो देखते क्या हमें वो मिल रहा है. तो दैट इज सर द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द पार्टिसिपेशन द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द पार्टिसिपेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन नंबर वन. The participant observation. The first we need to clear is participant observation. You are sitting in my class. आप क्लास में पढ़ रहे हैं वो क्लास में पढ़ते हो आप देख रहे हो क्या आपको समझ में आ रहा है. मैंने सर को बोला था कि मुझे टॉपिक नहीं आ रहा सर प्लीज कंप्लीट द सेकेंड चैप्टर द थर्ड चैप्टर टुडे ऑनवर्ड्स सो दैट वी कैन क्लियर. तो यहाँ पे आपका क्या ऑब्जर्वेशन था आपने कैसे ऑब्जर्व किया चीजों दैट इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. एंड देन द सेकेंड वन नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. एक तो ऑब्जर्व करता है जो आदमी खुद ऑब्जर्व कर रहा है खुद कोई चीज कर रहा है पार्टिसिपेट कर रहा है. एंड द सेकंड वन हु वाज लुकिंग फ्रॉम द आउटसाइड नॉन पार्टिसिपेंट. इट्स ऑल अबाउट नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. तो सर हमारी पार्टिसिपेंट क्लियर हुआ नॉन पार्टिसिपेंट क्लियर हुआ देन वी नीड टू कम अप टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द मेथड्स ऑफ इंक्वायरी द मेथड्स ऑफ इंक्वायरी ऑफ साइकोलॉजी. तो गाइस वी नीड टू वर्क आउट दिस क्योंकि मैं फिर इसको पूरा रब करूंगा ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं. योर टाइम स्टार्ट्स. आई एम गोइंग टू रब दिस नाउ. So this will be the last topic of this class. अब आपने कहा सर last topic of this class सर अगर और topic चाहिए तो हमें क्या करना होगा कुछ नहीं करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ताकि आप सारी वीडियोज को एक्सेस कर पाओ. यू कैन हैव ऑल योर डाउट्स क्लियर हियर. जिसको नहीं होता वो कमेंट बॉक्स में आके डालेगा उसको जो वीडियो चाहिए उसका लिंक उसको मिल जाएगा. Jump up to the next part. That is the methods of observation. So the methods of inquiry or we can say anything that has been required. So first off we need to clear with the methods is interpretive. You need to be interpretive. The methods. The very first thing is interpretive. You need to be very interpretive. So interpretive होता क्या किसी चीज को explain करना predict करना और decide करना कि जो plan किया गया था वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा. This is really important. तो सर यहाँ पे interpretation क्या है कैसे workout करती है concept को समझना जरूरी. And how we all going to get these things? That is interpretive. And then sir it's correlation. It's all about correlation.
दिस इज रियली रिक्वायर्ड. व्हाट इज द कोरिलेशन, कैसे है उसके चेंजेस क्या रहे और कैसे वर्कआउट होते हैं, हाउ दीज थिंग्स. अब इसको दो वेज में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. दैट इज कोरिलेशन. वन बी द पॉजिटिव कोरिलेशन एंड द अदर वे द नेगेटिव कोरिलेशन. सो वी आर हैविंग द इंट्यूशन. The intuition, the very first thing, imperative, हम कैसे समझ रहे हो उसे. The second was the correlation, the positive and the negative one. Then we go to the case study. The next part is all about the case study. So what does mean by the case study? क्या है, कैसे clear करेंगे और case study methods में कैसे आती. तो यहाँ ये जानना really बहुत important, case study method में से. It is technique in which one perform. I repeat my word, case study means a technique in which one perform in or studied in them. मतलब कोई भी केस आपको दे देना उसको आप स्टडी करते. टेक एन एग्जांपल, द फर्स्ट एग्जांपल, जहां पे क्लास में तीन बच्चे बैठे थे और दो को पता था कि एक को कैसे इरिटेट करना है, और जब भी उसको इरिटेट करना था दे स्टार्ट सिंगिंग और मेकिंग दैट थिंग, सो शी गेट इरिटेट. तो फर्स्ट मेथड सर इंटरप्रेटेड, सेकंड कोरिलेशन, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. द थर्ड वन इज ऑन द केस स्टडी. एंड देन वी डू हैव द क्वांटिटिव मेथड. द नेक्स्ट सेकंड लास्ट वाज द क्वांटिटिव मेथड. एंड द लास्ट वन क्वालिटेटिव मेथड. So these are the methods that you guys need to work out for this particular concept. Hope guys you really clear your doubts. किसी को कोई दिक्कत आती है, do comment on a comment box. Till then, watch, share, subscribe and like if you think it's worth to watch and share. Bye guys.